हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर वीक फिफ्थ। नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट इज द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 0.25। तो 0.25 को जो हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 0.25 हमारे पास में जो आता है यहाँ पर, इसको हटाएंगे, नीचे 100 लिखेंगे, तो दैट इज शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/4। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए स्टूडेंट स्कोर 45 आउट ऑफ 60 इन ए टेस्ट, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। तो जो हमारे पास में इसका जो फ्रैक्शन होगा यहाँ पर 45/60, और दैट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3/4। तो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। इफ़ 3 out of 5 स्टूडेंट्स इन ए क्लास प्रीफर साइंस, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रीफर साइंस। मतलब 5 बच्चों में से 3 साइंस प्रीफर करते हैं, तो हमारे पास में जो फ्रैक्शन होगा 3/5 होगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ ए कार ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 10 लीटर ऑफ फ्यूल, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू फ्यूल यूज्ड। तो हमारे पास में जो रेशियो होगा, मतलब 150 को हमने डिवाइड करना है यहाँ पर 10 से, तो जो हमारा रेशियो आएगा यहाँ पर 15:1। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ यू हैव ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन अ 200 आइटम्स, तो हमारे पास में कितना है, मतलब हम सेव करेंगे यहाँ पे। तो 200 का हम यहाँ पर 25/100 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास में कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो सेविंग होगी वो हमारे पास में 50 रुपीज़ की होगी। तो हमारे पास में जो ऑप्शन होगा, दैट इज़ बी इज़ करेक्ट। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 7/8 इंटू अ डेसिमल, तो 7 को हम यहाँ पे 8 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0। तो ये हमारे पास में 8/7/5, तो हमारा ऑप्शन 8 करेक्ट है। इफ़ अ फैमिली ईट 2/5 ऑफ अ पिज़्ज़ा, व्हाट फ्रैक्शन ऑन द पिज़्ज़ा इज लेफ्ट। तो अगर हम 1 में से 2/5, मीन्स 5 upon 5 में से 2/5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा 3/5 आएगा। दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 5x + 3 एंड x = 2। तो हमारे पास में जो 7th क्वेश्चन है यहाँ पर, जो इन दोनों की जो वैल्यू होगी हमारे पास में, वो क्या होगी यहाँ पर ये पूछा है इन्होंने। तो इसके अंदर जो हमारे पास में ऑप्शन होगा, मतलब इसमें x की जगह पर हमने क्या रखना है, 2 रखना है। तो 5 × 2 = 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13। तो ऑप्शन हमारे पास में बी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 3 times ऑफ ए न्यूमरेटर y डिक्रीज्ड बाई 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यानी 3 times ऑफ y डिक्रीज बाई 5। तो हमारे पास में डिक्रीज का मतलब क्या होता है, माइनस। तो ये हमारे पास में ऑप्शन b इज़ करेक्ट। इफ़ a = 4 एंड b = 3, तो हमारे पास में इसका आंसर आएगा यहाँ पर 2 × 4 + 3 × 3। तो जजो आंसर होगा यहाँ पर 8+9, तो ये हमारा आंसर आता है यहाँ पर 17। तो इसके जो सारे ऑप्शन हैं वो गलत हैं यहाँ पर, जो हमारा आंसर है करेक्ट वो क्या है यहाँ पर, 17। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 गलत है यहाँ पर, इसके सारे ऑप्शन कोई भी इसमें फिट नहीं बैठता है यहाँ पर। अब इसके बाद में नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं, 11th क्वेश्चन, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स आइटम दैट कॉस्ट 10 ऑफ ईच। तो हमारे पास में जो सी की वैल्यू, c = 10x, ठीक है, तो ये हमारे पास में आंसर होगा यहाँ पर 11th का, जो आंसर है यहाँ पर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ द करेक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर पैराज द सम एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास में जो आंसर होगा, दैट इज़ ए इज़ करेक्ट। ठीक है, और इधर देखोगे तो ये गलत ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इनको हम किसी को प्रीफर नहीं करेंगे, हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 2x द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी,
ए और बी का जो डिफरेंस है उसका ट्वाइस। तो हमारे पास में जो ऑप्शन होगा यहाँ पर, इसका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर 13 क्वेश्चन का, टू ब्रैकेट में ए माइनस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमारे पास में यहाँ पर ये भी वैलिड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी वैलिड। तो हमारा आंसर जो होगा डी, बोथ ए एंड सी। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, इफ़ यू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 5x + 2x - 3। तो ये हमारे पास में जो आंसर आएगा इसका 7x - 3। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ए इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द सम ऑफ एक्सप्रेशन 3a + 4 and 5a - 2। ठीक है, 3a को 5a में ऐड कर दोगे तो 8a, और ये 8a में से हमारे पास में जो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 8a, और ये +2। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बी इज़ करेक्ट। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 17। ठीक है, 17 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 6 < 2 अ नंबर ऑफ एन। तो यहाँ पर 6 हमें माइनस करना है, तो 2n - 6। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ए इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द एक्सप्रेशन 2x and 3y। तो जब हम 2x और 3y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 2 3 + 6 6xy। तो हमारा आंसर ए करेक्ट है। फिर इसके बाद में सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, मतलब इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है यहाँ पर। तो 7 में से 3 गया, हमारे पास में कितना बचता है 4x। फिर इसके बाद में 2 और 5 को अगर हम ऐड कर देंगे तो प्लस कितना आएगा यहाँ पर, 7 आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमको नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास में ये सारे ऑप्शन गलत हैं यहाँ पर, ए बी सी और डी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर इसका क्या होगा, 4x + 7। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर लास्ट 20 क्वेश्चन। व्हाट डू यू गेट व्हेन यू सब्सट्रैक्ट 2x - 4 फ्रॉम 5x + 3। मतलब 5x, ठीक है, 5x में से हमने क्या करना है यहाँ पर, 5x + 3 में से माइनस करना है यहाँ पर 2x, और ये प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट। तो 5 में से 2 गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3x + 6। ठीक है, तो ये 3x + 6 हमारे पास में, 3x + 6 नहीं, ये यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर ए करेक्ट है यहाँ पर। तो 3 और 4 कितना होता है यहाँ पर, 7 होता है। तो 3x + 7 हमारा, इट मीन्स 20 का जो ऑप्शन है ए करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। अगर कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके।